चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस के खिलाफ खोला मोर्चा। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। शादी का झांझा देकर दुष्कर्म के आरोप में पूर्व मंत्री गिरफ्तार। अदालत ने खारिज कर दी थी अग्रिम जमानत की अर्जी। आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। केरल के मुख्यमंत्री विजयन के बच्चों के अपहरण की साजिश के आरोप का सुधाकरण ने किया खंडन। 1984 दंगा पीड़ितों ने वेब सीरीज ग्रहण के निर्माताओं को भेजा कानूनी नोटिस। तीसरी लहर की संभावना, कोरोना से निपटने के लिए ग्रामीण अंचलों को तैयार कर रहा DAY NRLM। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का दावा, देश में 100% टीकाकरण वाला पहला गांव बना पुणे का बहिरवाड़ी। कोरोना पाबंदियों में ढील, ट्रेनों से पिछले 7 दिनों में यूपी बिहार समेत कई अन्य राज्यों में 33 लाख यात्रियों ने किया सफर। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,912 मामले, 257 लोगों की मौत। केंद्र ने राज्यों से कहा, सोशल मीडिया की आपत्तिजनक पोस्ट पर रखे नजर। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।